नमस्कार मित्रों, मैं उपप्रधान ग्राम पंचायत निचार, जिला महामंत्री भाजपा जिला किन्नौर, मैं आप सभी जनमानस से अपील करता हूं कि ये वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए आप अपने घर पर रह करके ही सरकार का सहयोग करें, मुंह पर मास्क लगा करके घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नमस्कार मित्रों, कोविड 19 के संक्रमण से जूझ रहे प्रदेशवासियों को हर संभव मदद के लिए किन्नौर के देवी देवता और संगठन भी सामने आ रहे हैं। लिप्पा पंचायत वासियों द्वारा जहां डीसी किन्नौर के माध्यम से सीएम रिलीफ फंड में 89,950 रुपए की आर्थिक मदद दी, वहीं टांटा नारायण देव सभा लिप्पा द्वारा भी सीएम रिलीफ फंड में 1,111 रुपए की धनराशि डीसी किन्नौर के माध्यम से भेजी। आज हमारे भारतवर्ष में जो कोविड 19 जो महामारी जो व्यापक स्तर पे फैल रहा है, जो इस संदर्भ में हमारे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है, और आज हम ग्रामवासी लिप्पा, ग्राम पंचायत लिप्पा देवसभा द्वारा जिला उपायुक्त जिला किन्नौर के माध्यम से ग्रामवासी लिप्पा द्वारा अपने श्रद्धा से 89,950 रुपए और पूजनीय देवता टंटा नारायण वे नागस जी के सभा द्वारा जो है 1,111 रुपए का जो है मुख्यमंत्री कोविड 19 रिलीफ फंड के लिए दिया गया है, और हम सबको मिलकर जो है आज जो है इस तरह के सहयोग से जो है आगे इस महामारी की लड़ाई के लिए तैयार रहे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांग पीयू से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।